उन्होंने फोन कॉल्स आ रहे हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस बाबत जवाब दिता है। उन्होंने कहना है कि कनाडा च कुछ भारतीयों धमकी भरे फोन कॉल्स आए हैं। जबरी वसूली दियां कॉलां गंभीर चिंता का विषय ने ते कनाडा नाल कई मुद्दों से चर्चा असी कर रहे हैं। सुरक्षा स्थितियां नाल जुड़े मुद्दों से भी चर्चा की जा रही है। इसे विचारे तो कनाडा च भारतीयों धमकियां मिल रही ने, जबरी वसूली लई धमकी भरे फोन कॉल्स आ रहे हैं। इस विचारे जांच का विषय है कि धमकी भरी फोन कॉल्स किना दे वालों किए जा रहे हैं। मामले में विदेश मंत्रालय ने जवाब दिता है। उन्होंने कहा है कि कनाडा च कुछ भारतीयों धमकी भरे फोन कॉल्स से आए ने, जबरी वसूली दियां कॉलां गंभीर चिंता का विषय है। इदां दियां कॉल्स पंजाब च कई रसूखदारां नूं आंदियां ने। इस दे विचाले कई बिजनेसमैन तो फिरौती रंगदारी मंगी जाती है, उन्होंने धमकाया जाता है, नहीं मिलन ते उन्हां दे कतल की वारदात अंजाम दिता जाता है। इस विचाले हुण कनाडा च भी भारतीयों इहो जिहियां धमकियां मिल रही ने। इस विचाले भारत विदेश मंत्रालय का कहना है कि मामले ते विदेश मंत्रालय ने जवाब दिता है कि जो जबरी वसूली दियां कॉलां गंभीर चिंता का विषय ने, कनाडा नाल कई मुद्दों ते चर्चा की जा रही है ते सुरक्षा स्थितियां नाल जुड़े मुद्दों ते चर्चा की जा रही है। हालांकि जांच का विषय है कि किना दे वालों आ धमकियां भरियां जो फोन कॉल्स ने वो दित्तियां जा रहे हैं। इस विचारे जे असीं गल करिए पंजाब दी ते पंजाब च बैठ के ही जो गैंगस्टर गोल्डी बराड़ है ते लखवीर लंडा जो कनाडा बेस्ड गैंगस्टर्स ने उन्होंने वालों ही धमकी भरी फोन कॉल्स दित्तियां जांदियां ने। उन्हां दा पूरा नैक्सस है, बकायदा उन्हां दे गुरगे ने जिन्हां दे वालों इस पूरी वारदात नूं अंजाम दित्ता जांदा है। ते हुण जो कनाडा च बैठे भारतीय ने उत्थे जो रह रहे ने, इसे विचाले उन्हां नूं भी हुण जो ने धमकी भरियां फोन कॉल्स आ रही। We have several issues to discuss. We have been discussing issues regarding security situation, etc. There was a issue about a temple which was attacked. The Canadian police then thereafter went into investigation of the temple premises and the person who was who had intruded. It later turned out, and they issued a statement that the person was of unsound mind. So there are these issues that keep happening, but it is a matter of concern. Extortion calls getting extortion calls, people getting extortion calls, especially Indian nationals, is a matter of serious concern. हरियाणा के सबका विधायक दिलबाग सिंह दे कार ईडी दी रेड लगातार जारी है। दस के लगातार दूजे दिन भी छापेमारी की जा रही है। नाजायज माइनिंग नाल जुड़े मामले च आ रेड की जा रही है। दस के छापेमारी दौरान 5 करोड़ की नकदी भी जब्त की गई। नाल ही सबका एमएलए की रिहायश तो कई नाजायज विदेशी हथियार भी बरामद किए गए। काबिले गौर है कि हथियारों से 300 तो ज्यादा जिंदा कारतूस बरामद किए गए। देश विदेश कई चल अचल जायदादों से दस्तावेज भी मिले ने। इस विचाले इंडियन नैशनल लोकदल पार्टी नाल संबंधित ने दिलबाग सिंह हरियाणा के यमुनगर तो विधायक रह चुके ने। कल तो ही जो ईडी की रेड है लगातार जारी है ते लगातार दूजे दिन भी छापेमारी ईडी दे वल्लों की जा रही है। नाजायज माइनिंग नाल जुड़े मामले च रेड की जा रही है। दस दिए कि छापेमारी दौरान 5 करोड़ की नकदी भी बरामद की गई। हालांकि तस्वीरें तुहानू विखाने की कुछ बरामदगी ईडी दे वल्लों की गई है। दस दिए कि साबका एमएलए की रिहायश तो कई नाजायज विदेशी हथियार भी बरामद किए गए। अज दूजा दिन है, कल सवेरे ही दस्तक दी ईडी के वालों दबिश दी गई थी। अज दूजे दिन भी ईडी के वालों लगातार रेड जारी है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। इस दे विचाले कई कुछ बरामदगी भी की गई है। 5 करोड़ की नकदी बरामद की गई है, कैश बरामद किया गया। नाल ही कई नाजायज विदेशी हथियार भी बरामद किए गए हैं। देश विदेश कई अचल जायदादों के भी दस्तावेज मिले। केंद्र जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 4 जनवरी को तकरीबन 20 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। यह सर्च ऑपरेशन राजधानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के इलाकों में अंजाम दिया गया। और जिस तरह से पूरे इस सर्च ऑपरेशन की अगर बात करें तो ये सर्च ऑपरेशन इलीगल माइनिंग से जुड़ा यह मामला था। और इस इलीगल माइनिंग से जुड़े मामले में जो यमुनानगर का खासकर जो इलाका है वहाँ पर इस मामले पर काफ़ी सबूतों को इकट्ठा किया गया। और उसी इलाके में रह रहे एक पूर्व विधायक जो INLD के पूर्व विधायक हैं दिलबाग सिंह, उनके आवास पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और सर्च ऑपरेशन के दौरान में 4 जनवरी की देर रात तक जो सर्च ऑपरेशन की गई उस दौरान में कई अवैध हथियार जो है वो बरामद किया गया। हालांकि 3 से 4 ऐसे अवैध हथियार हैं जो मेड इन जर्मनी है यानी विदेश के बने हुए हैं और उन हथियारों को अपने आवास में रखा गया था। इसके साथ ही तकरीबन 300 से ज़्यादा जिंदा कारतूस को भी
जांच एजेंसी ईडी के द्वारा जब्त किया गया है और इसके साथ साथ सर्च ऑपरेशन के दौरान में तकरीबन 5 करोड़ से ज्यादा की नकदी को जब्त किया गया है। हालांकि जो पैसे को गिनने का जो काम है 4 जनवरी की रात में इस वक्त में भी जारी है। जो जब्त पैसे हैं उसके कुल रकम क्या है इस मामले में औपचारिक तौर पर जानकारी साझा की जाएगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से अवैध तौर पर जिस तरह से हथियारों को बरामद होना, इसके साथ ही 5 करोड़ की नकदी लगभग जो जब्त की गई है, तो इस मामले में तमाम जो सबूतों को इकट्ठा किया जाएगा। इसके साथ ही ये भी जांचा जाएगा, परखा जाएगा कि इलीगल माइनिंग से जुड़े मामले में और किन किन लोगों की भूमिका रही है और इस मामले में किस तरह के सबूतों को इकट्ठा किया गया है, किस तरह से इस मामले में तमाम सबूतों को इकट्ठा करने का काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ किस तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है वो जब्त किया गया है। शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। मेरा मेरे सहयोगी शंकर आनंद फोन लाइन पे मौजूद ने। शंकर, ईडी की रेड का आज दूसरा दिन हैवी रिकवरी ईडी की तरफ से की गई है, क्या कुछ अंदेशा है, कितनी और देर तक ये ईडी की दबिश इसी तरीके से जारी रहेगी? निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए इलीगल माइनिंग से जुड़े मामले में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। हालांकि ये सर्च ऑपरेशन जो कल स्टार्ट हुआ आज भी कुछ लोकेशन पर जारी है और जिस तरह से कल देर रात तक पैसों को काउंट करने का काम, इसके साथ ही जो 5 करोड़ से ज्यादा की नकदी जो है कल देर रात तक बरामद की जा चुकी थी और इसके साथ ही जो काफी मात्रा में गोल्ड ज्वेलरी जो है वो बरामद किया गया है। देश और विदेश में कई ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिसके बारे में जानकारियों को इकट्ठा किया गया है, उससे संबंधित दस्तावेज और जानकारियां जो है जांच एजेंसी के द्वारा देर रात तक इकट्ठा की जा रही थी और इसके साथ ही जो फॉरेन में किस तरह से वहां पर संपत्ति अर्जित की गई है पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के द्वारा, तो उसके बारे में भी काफी महत्वपूर्ण सबूत जो है जांच एजेंसी के हाथ में लगे हैं। और इसके साथ ही कई जो ऐसे अवैध हथियार जो मेड इन जर्मनी है वो इनके घर में कैसे बरामद हुआ है, किस तरह से उनके घर में कई अवैध हथियार और इसके साथ में तकरीबन 300 से ज्यादा जिंदा कारतूस का मिलना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है और आने वाले दिनों में इस मामले पर जांच एजेंसी के द्वारा स्थानीय पुलिस को भी खत लिखा जाएगा और इस मामले में हो सकता है कि इलीगल आर्म्स रखने के आरोप में भी इनके खिलाफ केस को रजिस्टर किया जा सकता है। इसके साथ ही जिस तरह से 5 करोड़ से ज्यादा की नकदी मिलना अपने आप में कई तरह के सवाल है, हालांकि उस मामले में न विधायक के द्वारा कोई जवाब आया है न ही इस मामले में अभी जांच एजेंसी के द्वारा कोई औपचारिक तौर पर प्रतिक्रिया दी गई है, तो कहा जा सकता है कि हो सकता है कि आज देर शाम तक जांच एजेंसी के द्वारा जब इस सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो उसके बाद लिखित तौर पर स्टेटमेंट जो है वो जारी किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से 5 करोड़ से ज्यादा की नकदी का मिलना, कई अवैध हथियारों का मिलना, 300 से ज्यादा कारतूस का मिलना, इसके साथ ही कई चल और अचल संपत्ति जिसका कनेक्शन देश और विदेश से जुड़ना, इसके साथ ही भारी मात्रा में ज्वेलरी का मिलना अपने आप में एक बड़ा मामला बनता है और जिस तरह से इलीगल माइनिंग से जुड़े मामले में ये सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में जांच एजेंसी के द्वारा इस मामले में कई और खुलासे किए जा सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर हमें तमाम जानकारी देने के लिए।